जनपद के दो लोकसभा सीटों पर चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय में पोलिंग पार्टियों की रवानगी, ईवीएम की देखरेख, मतदाता कर्मी को प्रशिक्षण दिए जाने सहित अन्य तैयारियों का जायजा लेने के बाद गोरखपुरनी से विशेष बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि स्ट्रांग रूम सहित अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया है। एसएसपी ने कहा कि लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सभी थाना प्रभारियों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही कच्ची तथा अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, आज डीएम साहब के साथ विश्वविद्यालय परीक्षण का निरीक्षण आगामी चुनावों के देखते हुए किया गया, जिसमें कि जो हमें कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्ट्रांग रूम वगैरह बनाने होते हैं उसकी एडवांस में ही हमने रेकी करनी होती है कि कहाँ क्या बनाना है, कैसे बनाना है और उसकी सुरक्षा व्यवस्था देखने के लिए। तो उसी क्रम में चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में विश्वविद्यालय परिसर का भ्रमण किया गया, क्योंकि पूर्वता पहले से ही हमेशा ही जो भी लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव हुए उसमें जो स्ट्रांग रूम या डिस्ट्रीब्यूशन और कलेक्शन सेंटर्स ईवीएम के उसी परिसर में बनाए जाते हैं, तो उसकी उपयुक्तता जाँचने के लिए आज का ये दौरा था। सर, इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए क्या तैयारियाँ की जा रही? चुनाव को संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। अतिरिक्त बलों की मांग, जो भी हमें चिन्हित करने हैं वल्नरेबल मजरे, जो भी हमें कार्रवाइयां करनी हैं, बहुत सारी कार्रवाइयां आप देख रहे हैं लगातार, चाहे वो शराब के खिलाफ है, चाहे वो गुंडा, चाहे शीशीटर और जो भी इस तरह के NVWs वारंट्स और जो भी वल्नरेबल इलाके उनकी रेकी और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ लगातार जारी हैं और गोरखपुर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है इलेक्शन कराने के लिए।